हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है आरबीआई पैनल ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है क्या। देखो, अभी आपको बताया कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी बड़ा इशू है वो चल रहा था कि आरबीआई के पास जो पैसा था, एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि जो सरप्लस पैसा है वो गवर्नमेंट को मिले ताकि गवर्नमेंट उस पैसे को जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करे वहाँ पर कर सके, मतलब कि लोगों के लिए जो भी सोशल सर्विसेज करनी है वहाँ पर उसको पैसे को इन्वेस्ट है वो कर सकती है। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद रहा था। और उसके बाद में आरबीआई के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और फिर नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो की गई थी। तो मतलब हमें इस चीज़ का पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में खींचातानी कुछ ज़्यादा ही चल रही थी। तो अभी जो आरबीआई के पास जो सरप्लस पैसा है, देखो आरबीआई के पास भी अपनी खुद की इनकम है वो होती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई खुद आपको पता है कि सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह जारी करती है, तो उससे उनको इनकम वगैरह होती रहती है और उसी इनकम को सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करना चाहती थी। तो अभी एक क्या एक पैनल बनाया गया है, जो आरबीआई के फॉरनर गवर्नर थे ना विमल जालान, तो विमल जालान की अध्यक्षता में एक पैनल है वो यहाँ पे बनाया गया है, जिसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। इस पैनल का काम क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है ना विमल जालान, इनकी अध्यक्षता में जो पैनल बनाया गया है उसका काम ये है कि ये एनालिसिस करेगा कि भाई जो आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है उसमें कितना पैसा तो आरबीआई को जरूरत है और जो भी सरप्लस पैसा है उसमें से कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना है। तो इसके लिए ये पैनल है वो काम करेगा। अब जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का, देखो यहाँ पे सीधा मतलब ये है कि एक रिस्क कैपिटल को श्योर करता है, मतलब जैसे कि भाई आरबीआई के पास इतना पैसा तो होना चाहिए, अगर इससे कम पैसा है तो आरबीआई के पास अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे निपट नहीं पाएगा। जिस तरीके से हम अपने घरों में एक सेविंग लेके चलते हैं कि यार घर पे 15-20-50 हज़ार रुपये एक बार होने चाहिए, एट इमरजेंसी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसी तरीके का मतलब यहाँ पे है कि थोड़ा बहुत पैसा, एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट जो कि आरबीआई के पास होनी चाहिए जब भी उसको ज़रूरत पड़े, कोई भी रिस्क वगैरह आ जाए उस कंडीशन में निपटने के लिए। तो उसको कहा गया इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, तो उसके लिए भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। इसके साथ ही देखो, जो आरबीआई के अंदर और बहुत बड़ा इशू जैसा हमने डिस्कस किया था, एक इशू ये चल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को मनवाने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी का इशू आ रहा था, तो वो एक अलग फैक्टर आ जाता है। बट यहाँ पे प्रीलिम्स के नज़रिए से जो फिलहाल इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मर गवर्नर है विमल जालान, उनकी अध्यक्षता में जो पैनल बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि जो सरप्लस पैसा है उसके लिए पैनल बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है आंध्र प्रदेश के लिए नए हाईकोर्ट के लिखे। देखो अभी आंध्र प्रदेश को लेके नए हाईकोर्ट बनाने की बात चल रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अनुमति है वो दे दी है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट देख देते हैं, कुछ आर्टिकल पॉलिटी के नज़रिए से जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहला बात यह है कि आंध्र प्रदेश इंडिया में 25वां हाईकोर्ट अपने आप में स्थापित कर रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश में इंडिया का 25वां हाईकोर्ट स्थापित होने वाला है। यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है कि आंध्र प्रदेश में इंडिया का 27वां हाईकोर्ट है, 28वां है, 29वां, 30वां, जो भी है, क्योंकि उसको जो पहले आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट था वो था हैदराबाद में। और अब आपको पता कि हैदराबाद है वो रिसेंटली कैपिटल है वो है तेलंगाना की। वैसे तो कुछ टाइम के लिए आंध्र प्रदेश के पास भी है, बट फिर भी आंध्र प्रदेश को अपना अलग से हाईकोर्ट चाहिए था और उसके लिए आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, नई कैपिटल जिसका नाम है अमरावती, वहाँ पे नए हाईकोर्ट की परमिशन है वो मिल गई है। तो यह ध्यान रखनी है कि 25वां हाईकोर्ट देश में अमरावती में बनाया जाना है, जो कि आंध्र प्रदेश का होगा। चलो आप ये बताइए कि जो पौंडीचेरी का जो कोर्ट है वो कौन से स्टेट के अंडर आता है, मतलब पौंडीचेरी का हाईकोर्ट है वो कौन से स्टेट के अंडर है, ये आपको बताना है। अब देखो आर्टिकल 214 है हमारे संविधान का, उसमें इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि एक स्टेट है उसके पास एक हाईकोर्ट है वो होना चाहिए। और इसी के साथ जो आर्टिकल 231 है वो ये कहता है कि 214 जो आर्टिकल है उसकी कंसल्टेशन है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की कंसल्ट के बाद ही हाईकोर्ट है उसको ओपन किया जा सकता है। और आर्टिकल 231 ये कहता है इसी के साथ साथ कि भाई जो हाईकोर्ट ना दो या दो से ज़्यादा स्टेट का भी एक जगह हो सकता है, तो उसके लिए बात यहाँ पे कंसल्ट की गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 214 किस रिलेटेड है कि भाई एक स्टेट है उसके पास हाईकोर्ट है वो होना चाहिए। इसके बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि अगर ये मान लो कि दो स्टेटों का मिला के हाईकोर्ट बनाना है,
ध्यान से सुनना, अगर दो या तीन चार जितने भी स्टेट हैं उनका मिला के अगर हाई कोर्ट बनाना है, मतलब उनका कंबाइन हाई कोर्ट होना है, तो वो कौन बनाएगा? ये केवल और केवल पार्लियामेंट कानून के तहत बना सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंटल ऑर्डर वगैरह वगैरह, मतलब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से वगैरह। तो हमें ध्यान रखना है केवल और केवल पार्लियामेंट कानून बना के ही दो या दो से ज़्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, वो बना सकती है। तो ये इफेक्ट काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आर्टिकल 216 की बात करें तो आर्टिकल 216 ये कहता है कि एक हाई कोर्ट में एक चीफ जज और इसी के साथ जो बाकी और जजेज हैं वो होने चाहिए। मतलब उनके बारे में, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। या इसी के साथ बात यहाँ पे की गई है कि जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आर्टिकल 217 क्या कहता है? आर्टिकल 217 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेके जारी, उनकी अपॉइंटमेंट को लेके पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो क्या है, दो या दो से ज्यादा स्टेट का अगर कॉमन हाई कोर्ट है तो वो केवल केवल पार्लियामेंट अपने कानून के तहत ही बना सकती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही आर्टिकल 214 के तहत एक स्टेट में हाई कोर्ट है वो होता है, या आर्टिकल 214 इसको डिफाइन है वो करता है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो दो छोटी छोटी न्यूज है, हम देख लेते हैं। एक है यहाँ पे एड ऑन गैराज सिस्टम के बारे में, तो देखते हैं कि यह है क्या। देखो इसका दूसरा नाम भी है ऑब्जेक्ट 4202। क्या है ऑब्जेक्ट 4202? ये एक हाइपरसोनिक बूस्ट ग्रिल मिसाइल सिस्टम है, मतलब ये एक मिसाइल सिस्टम, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट 4202 एक क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया के द्वारा डेवलप है वो किया गया है। तो इतना हमारा काम बन जाएगा, बस ये छोटा सा फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब देखो मिसाइल है तो हम समझ गए ऑब्वियसली, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है उनको काउंटर करने के लिए या फिर जो अनमैन व्हीकल हैं उनके द्वारा इसका यूज किया जाएगा, उनको काउंटर भी किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि ग्रैंड सिस्टम ऑब्जेक्ट 4202 है क्या। नेक्स्ट छोटी सी न्यूज वो थी यहाँ पे बहुधा रोकरी के बारे में। तो बहुधा रोकरी है क्या वो हम देखते हैं। देखो बहुधा रोकरी हम बात करें तो उड़ीसा का एक कोस्टल एरिया है जिसका नाम हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, रुशिकुलिया रोकरी कोस्ट। तो रुशिकुलिया जो रोस्टी कोस्ट है इसके अंदर बेसिकली 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है वो डेवलप किया गया है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो ओलिव रेडली टर्टल जो कछुए आते हैं वहाँ पे वो नेस्टिंग या एक तरीके से प्रजनन करते हैं, तो उनके लिए उनकी संख्या ग्रोथ हो सके इसके लिए वहाँ पे एक स्ट्रेच डेवलप किया गया है ताकि जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो उस एरिया में ना जाएं और उनके जो अंडे वगैरह हैं उनको नुकसान ना हो। तो यह ध्यान रखना है कि बहुधा रोकरी है क्या, ये एक 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जो कि ओलिव रेडली टर्टल कछुओं के लिए रुशिकुलिया रोकरी कोस्ट जो कि उड़ीसा में वहां पे डेवलप किया गया है। आप ये बताइए कि ओलिव रेडली जो टर्टल है कछुआ है वो आयुषियन की कौन सी लिस्ट में आता है? आपको ये बताना है कि ओलिव रेडली जो टर्टल कछुआ है वो आयुषियन की कौन सी लिस्ट में आता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है ऋतु बंधु स्कीम के बारे में। पहले तो देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि जब भी जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम थे उन्होंने ये बोला कि जो किसानों का लोन माफ़ किया जा रहा है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसकी वजह हमें दूसरे पॉइंटों की तरफ फोकस करना चाहिए। और उन्होंने भी ऋतु बंधु स्कीम की तारीफ है वो की इस तरह की स्कीम गवर्नमेंट को लानी चाहिए। अब हम ऋतु बंधु स्कीम को यहाँ पे देखने वाले हैं। और देखो इसका 2-3 पॉइंट दिया गया, इनका हम मेंस के आंसर राइटिंग में यूज है वो कर सकते हैं। इकोनॉमी के जो एडवाइजर थे पूर्व है जिनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनका जो कॉन्सेप्ट है फार्मर्स के लिए वो कहीं ना कहीं ऋतु बंधु स्कीम से पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो गवर्नमेंट को इस पर फोकस है वो करना चाहिए। तो ये 2-3 यहाँ पे फैक्ट है वो दिए गए हैं, क्योंकि इसको कृषि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम कहा गया है, फुली तो नहीं कहा गया क्योंकि देखो फुली तरीके से तो है किसानों को इनकम प्रोवाइड नहीं करवा रही है, बट फिर हम इस स्कीम को देखते हैं। ऋतु बंधु स्कीम है वो तेलंगाना गवर्नमेंट की, ये ध्यान रखना है, स्पेस स्पेसिफिक ये स्कीम है वो लॉन्च की गई है। और यह स्कीम लॉन्च की गई थी किसानों को बेनिफिट हो सके, किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम है वो लाई गई थी। अब हम देखते हैं क्या, यह बेसिकली इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है किसानों के लिए और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। इसका काम क्या है, देखो इसमें होता क्या है, इस स्कीम में गवर्नमेंट है स्टेट की वो 4,000 रुपये पर एकड़ किसान को प्रोवाइड करती है, मतलब एक एकड़ के 4,000 रुपये है वो किसानों को देती है एक सीजन के लिए। हर सीजन में ध्यान रखना है, पूरे साल भर नहीं, मतलब नॉर्मली 2 सीजन होते हैं हमारे यहाँ पे, तो 2 सीजन में मतलब एक सीजन में एक एकड़ की ज़मीन के ऊपर गवर्नमेंट है वो उनको 4,000 रुपये देगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसान है वो जो इनपुट्स हो गए जैसे कि बीज वगैरह हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गए, लेबर हो गए और भी जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो सब अरेंज है वो कर सकें।
तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट लिया गया है उनके द्वारा कि भाई एक एकड़ ज़मीन के 4,000 रुपये उनको दिए जाएंगे, 10 एकड़ ज़मीन है इसका मतलब उस तरीके से 40,000 रुपये हो गए, और उसी के बाद अगर दूसरी फसल बोई जाएगी तो दोबारा उनको पैसे इस तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि किसानों को एक फाइनेंशियल हेल्प है वो मिल जाएगी, क्योंकि देखो किसान जब भी फसल बोते हैं तो वो लोन वगैरह लेने के लिए या तो साहूकार वगैरह के पास जाते हैं, बैंकों के पास, तो वहाँ से वो लोन लेते हैं। तो भी वहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्कीम लाई ऋतु बंधु स्कीम, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि भाई हर एकड़ ज़मीन के 4,000 रुपये पर सीजन उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपनी बेसिक जो डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो इस स्कीम की तारीफ की गई है, तो इसका हम कहीं यूज़ भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो हमें ध्यान में रखने की ऋतु बंधु स्कीम है वो क्या है। यूपीएससी पूछ सकती है कि ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस स्कीम है या फिर किसानों की इनकम डबल करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो हमें वहाँ पर ध्यान रखना कि नहीं भाई इस स्कीम का मेन मोटो है क्या। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ICNIRP के बारे में, इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो देख लेना कि एक बार है क्या है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे फैक्ट यही है कि यह एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेरिटेड इन जर्मनी में, इसको स्थापित किया गया है। यह 1992 में बनाया गया था इंटरनेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन के द्वारा, जो कि इसके काफ़ी क्लोज काम है वो करता है। अब इसका काम क्या है वो देखते हैं। इंटरनेशनल जो रेडिएशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन है इसका काम ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी रेडिएशन हो रहा है या फिर जो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, यूवी वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, इनसे नुकसान ना हो, इनका हैजार्डस लेवल कितना है, इन सब के बारे में स्टडी करना, गाइडलाइंस करना, साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज है उनको लोगों को एक्सप्रेस करना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। हम सीधी सी बात करें देखो अभी जो कंटेक्स्ट के मुताबिक, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी जो हमारे देशों में जो टावर किए जा रहे हैं, मोबाइल टावर यूज़ किए जा रहे हैं, इन पर काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रावर्सी छिड़ी हुई थी कि इनसे रेडिएशन होता है और उससे काफ़ी लोगों की जानें हैं वो जाती हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो ICNIRP है ना, इसकी स्टडी और इसका सर्वे आया था और उस रिपोर्ट से पता चला कि भाई अभी तक बिल्कुल भी प्रूव नहीं हुआ है ये चीज़ कि जो मोबाइल टावर होते हैं उनसे रेडिएशन हो रहा है और उनसे लोगों की जानें हैं वो जा रही है, मतलब ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है। तो उसको लेके ये जो रिसर्च वगैरह होती हैं कि भाई जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे कितना नुकसान वगैरह हो रहा है, कोई भी ब्लास्ट वगैरह हो गया वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कोई भी पावर प्लांट में, तो उस कंडीशन में वहाँ पे रिसर्च वगैरह करना वो काम किया जाता है इंटरनेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिसका नाम बाद में कह दिया गया था इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो उसके द्वारा ये गाइडलाइंस वगैरह जारी की जाती हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। तो उसने अभी सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है इसको एक तरीके से अपना डाटा दिया कि हाँ भाई आप निश्चिंत रहिए जो भी मोबाइल टावर है उनसे कोई का खतरा नहीं है। तो यह ध्यान रखना है कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ह्यूमन हेल्थ पे यूपीएससी पूछ सकती है। अब आप हम बात करें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, CPCB है, देखो वो आप एक पता है कि स्टेचुरी बॉडी है जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत है वो बनाई गई है। अब हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सुनामी के लिए गए, क्वेश्चन ये है कि सुनामी के कौन कौन से कारण है, मतलब सुनामी किस किस वजह से आ सकती है। पहला है वोल्केनिक एक्टिविटीज़, दूसरा है आपके सामने अर्थक्विक, तीसरा है लैंडस्लाइड और चौथा है मेट्योराइट, मतलब उल्कापिंड का जो उल्कापात वगैरह होता है वो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है S-400 सिस्टम के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। पहला ऑप्शन आपके सामने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दूसरा है कि ऑल टेरेन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तीसरा है एम्फीबियस वॉरफेयर शिप। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है? उभयचर, मतलब जो जल थल जम सब जगह वो चल सकें। और उसके बाद में था यहाँ पे ट्रम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो आपको बताना कि S-400 क्या है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा है वो है लेक टिटिकाका के बारे में। क्वेश्चन है कि लेक टिटिकाका कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया है बोलीविया और ब्राज़ील के बीच में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पेरू और ब्राज़ील के बीच में, तीसरा दिया गया है प्रागवे और ब्राज़ील के बीच में, चौथा दिया गया है बोलीविया और पेरू के बीच में। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। एक्चुअली 2 दिन से जो हमारे क्वेश्चन डिस्कशन है वो नहीं हो पा रही थी, तो मे बी हम आज या कल से उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा मुझे क्वेश्चन प्रिपेयर करने में टाइम है वो लग रहा था। तो ये थे आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।